गैर धर्म में जाकर आदिवासी युवती से शादी की, उसे और उसके परिवार को सहारा दिया, ना केवल पत्नी को पढ़ाया बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। पत्नी के आंध्र प्रदेश में 3.5 साल कोर्स करते ही उसकी नौकरी दुर्गापुर के द नेशन हॉस्पिटल में मिल गई। तो उसके पीछे सब कुछ अपना दांव पे लगाने वाला उसका ये कथित पति ये आस लगाए बैठा था कि अब उसकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और वह दोनों पत्नियों के साथ आराम की जिंदगी बिता सकेगा। लेकिन 23 अगस्त को कोर्ट से आई तलाक के नोटिस ने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। ये कहानी हजारीबाग के पेलावल निवासी तौफीक अख्तर की है, जिसकी पहली बीवी रहते हुए उसने दूसरी शादी आदिवासी युवती से कर ली, पर इसकी भनक उसके परिवार के लोगों को नहीं होने दी। चूंकि आदिवासियों समाज बहुत ही खुला होता है, तो आदिवासी युवती उसके साथ रहने लगी और युवक उसके पूरे परिवार पर मेहरबानी दिखाता रहा। आइए देखते हैं इस पर सोनू केसरी की ये खास रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के पेलावल निवासी तौफीक अख्तर की 1995 में पहला निकाह काजी मोहल्ला के अफसाना परवीन के साथ हुआ था। उसके बाद उसने 2014 में जोरी चतरा की श्वेता टोप्पो से दूसरी शादी कर ली। एक पत्नी को पेलावल और दूसरी को लोह सिंघना में किराए का मकान लेकर रखा। तौफीक का कहना है कि उसने उसके 3 भाई और 2 बहनों को पढ़ाया, परिवार पर खर्च किया, खुद अपनी पत्नी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उसने उसे आंध्र प्रदेश भेजा नर्सिंग कोर्स करने। पैसे कम पड़ने जब लगे तो बतौर गारंटर एक पति के रूप में उसने उसे शिक्षा लोन दिलाया। आज इन सब के कारण वह दिवालिया स्थिति में आ चुका है। पत्नी की पढ़ाई 3.5 साल के कोर्स में पूर्ण होते ही दुर्गापुर में नौकरी लग गई, तो अब उसने तलाक लेने के लिए नोटिस मिल रहे हैं। वे कहते हैं कि यह सही है कि उसने समाज के लोगों को पता नहीं लगने दिया था कि हमने शादी कर ली, लेकिन मेरे अपने समाज को तो यह पता है कि जिससे इस विवाह के बाद मुझसे किनारा कर लिया था। वैसे श्वेता का परिवार और उसके समाज के लोगों की माने तो इस विवाह को वे नहीं मानते, क्योंकि न कोई रस्म हुई और न उन्होंने कुछ बताया। यदि उन दोनों के बीच कुछ था तो वो लिव इन रिलेशनशिप। नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम तौफीक अख्तर है, हम पेलावल से बिलोंग करते हैं। पिता? पिता मोहम्मद इस्लाम। हमारी शादी के लेकर के कुछ मसला आया है। हमारी 2 शादी हुई है, पहली शादी 1995 में हुई थी हमारी रीति रिवाज से, दूसरी शादी एसटी लड़की है जो हमारे साथ 2006 से रह रही है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, रहते रहते उसका कहना निकला कि शादी कर लीजिए। फोर्स करते करते फिर हम भी राज़ी हो गए कि चलो भाई शादी कर लेते हैं, इतना दिन से मेरे साथ में क्या मुँह दिखाएगी किसी और, ये सोच को उसको हम अपना बना लिए। 21 जनवरी 2014 को वो मेरे से कोर्ट मैरिज की, खुद अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, हम दोनों को मर्जी था, कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज करने के बाद दिसंबर तक तो बहुत अच्छा चला, उसका दिसंबर से पहले हम उसको GNM करवाए। पहले तो कुछ नहीं थी, वो पारा टीचर थी, पारा टीचर में पैसा भी नहीं था, वो छोड़वा करके उसको हम GNM करवाए। GNM करवाने में टोटल खर्च हम मेरा लगा, चाहे जहाँ से भी हम पूरा किए टोटल खर्च उसका पूरा किया। GNM हो जाने के बाद भी वो ठीक थी, और उसके बाद वो दुर्गापुर में नौकरी पकड़ी, नौकरी करने के बाद भी कुछ हद तक ठीक थी। फिर ये साल दिसंबर 2020 में वो चुपके से घर गई। घर जाने के बाद पता नहीं क्या मैटर हुआ, अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, जबकि 14 साल से वो हमको ये क्या बोलते हैं इस्तेमाल कर रही थी, जिसको बोलते हैं शोषण कर रही थी। 14 साल से हम शोषण हो रहे थे, और अब वो कोर्ट फाइल की है फैमिली कोर्ट में कि हमको तलाक चाहिए। बताइए हम कहाँ गलत हैं, कैसे हम उसको छोड़ दें? हमारा रिश्ता परिवार सब ठुकरा दिया हमको उसके चक्कर में, हमारी बीवी बच्चे भी ठुकरा दिए, पहली बीवी से 2 बच्चे भी, इससे भी मेरा 3 बच्चा हो जाता, पर ये 3 बच्चों का ऑपरेशन करवा दिया। पहले बच्चा में बोल दिया अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरे में बोल दिया अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तीसरे में बोल दिया अभी शुरू जॉब पकड़े हैं इसलिए अभी नहीं रख सकते हैं। 3 बच्चा मैंने ऑपरेशन करवा करके वो खराब कर दिया, और अब वो मेरे से तलाक ले रही है, या अपने घर वालों के दबाव में या चाहे जो भी मसला हो, अब क्यों ले रही है वही जाने। अब हम कहाँ किस मुँह से किसी को मुँह दिखाएँगे समाज में, सारा समाज वाला जानता है कि वो हमारी पत्नी, हम 2 शादी किए हैं, अब हम किस मुंह से बाहर निकलेंगे? क्या कुछ चाहते हैं आप? हम उसको तलाक देना नहीं चाहते हैं।
हम क्या तकलीफ दिए हैं उसको। 14 साल तक उसको हम रखे हैं अपने पास, 14 साल तक उसका खर्च, उसका घर वालों का खर्च, उसकी बहन का, उसका भाई का, सबका खर्च हम उठाएं। उसकी बहन का पढ़ाई लिखाई, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका भाई का जॉब होने के समय में फीस जमा करना था, उस समय पैसा जमा किए। हमारा दुकान था डेली मार्केट में, दुकान भी ख़त्म हो गया हमारा इसके चक्कर में। हमारे घर वाले हमको ठुकरा दिया, हमारा समाज वाला हमको बहिष्कार कर दिया, फिर भी हम इसको लेकर रह रहे थे। पहली शादी आपकी कब हुई थी? सन 1995 20 जनवरी। क्या नाम है लड़की का पहली शादी जिससे हुई थी? अफसाना परवीन। कितने साल तक उससे ठीक ठाक रहा सर? उससे 9-10 साल। 9 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा। फिर दूसरी लड़की के चक्कर में आप कैसे पड़े हैं? बस हो गया, अब क्या करें, प्यार मोहब्बत का चक्कर में पड़ गए। कब की बात है ये? ये 2007 की बात है। मैंने 2007। और शादी कब किए उससे आप? शादी 2014 में किए, 21 जनवरी 2014 में शादी किए जी। और लड़की कहाँ रह रही थी शादी के बाद से? शादी के बाद से मेरे पास रह रही थी। कहाँ पे? आपके घर में ही? सिग्ना में हम रूम रेंट लेकर के रह रहे थे 2007 से ही, वो उस समय से मेरे साथ में थी। मैंने रेंट के घर में रह रहे जी, थे जी, जी। पहली बीवी के साथ में नहीं रह रही थी? नहीं, पहली बीवी के साथ में रह। पहली बीवी आपके घर पे रह रही थी जी, जी, अभी और दूसरी बीवी ये लोसिंगना के लोसिंगना रेंट में रह रही थी जी, लोसिंगना रेंट में मेरे साथ में रह रही थी। और एकाएक ये कब ये फैसला ली और कैसे चली गई? ये एकाएक फरवरी से ऐसा गड़बड़ चल रहा, दिसंबर में वो घर गई, उसके बाद से ही गड़बड़ चल रहा। किसी तरह के कहा सुनी हुई थी क्या आपसे? कुछ नहीं हुआ था, उसका भाई भी फोन करके हमको जान से मारने का धमकी देता है। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम अलबिनुस टोप्पो। क्या बोलने क्या बोलता है वो? बोलता है मेरी बहन को छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ने के लिए शादी नहीं किए थे। किसी के साथ खेल के उसको छोड़ देना अच्छी बात नहीं है, अगर ये ऐसा करना रहता तो हम उसे शादी ही नहीं करते। क्या पर समाज में उसका इज्जत बढ़ाया, उसका नाम दिया समाज में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तौफीक अख्तर। पिता? पिता मोहम्मद इस्लाम। घर? घर पिलावल। लड़की का क्या नाम था जो दूसरी लड़की से जिससे शादी किए थे और लोसिंगना में लेकर रह रहे थे आप? उसका नाम श्वेता टोप्पो, पिता का नाम प्रेम टोप्पो, गांव जोरी, थाना पथलगड्ढा, जिला चतरा पड़ता है। और क्या जैसे उस लड़की से जो आप शादी किए थे, क्या उसके उस लड़की के पिता के या घर वालों के मर्जी से किए थे क्या? नहीं, उसके घर वालों के मर्जी से नहीं किए थे। ऐसे उसके घर वालों को पता था, पर उसके समाज में किसी को आज तक पता नहीं है, और ना ही उसका रिश्ता परिवार को किसी को पता है कि वो मेरे से शादी। माने उसके घर वालों को, उसके माँ बाप भाई बहन को पता है, उसका रिश्ता परिवार या उसका समाज वाला कोई नहीं जानता है कि वो मेरे से शादी की है। रिश्ता परिवार और समाज वालों से छुप के मेरे से शादी की। तो अभी उसका घर वाला क्या चाह रहा है? घर वाला हमको फ़ोन पर धमकी देता है जान से मारने का, छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे। उसका भाई फ़ोन करके धमकी देता है। और अब बताइए कहाँ तक सही है ये मेरे साथ तलाक चाहती, जबकि ये 14 साल मेरे साथ बिता चुकी है, 7 साल रिलेशनशिप में रही है और 7 साल शादी करने के बाद। ये 14 साल में हम कंगाल हो गए इसके पीछे खर्च कर करके, हमारा दुकान भी चला गया, समाज भी हमको निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया, घर वाला भी निकाल दिया। अब ये भी हमको छोड़ देगी तो हम कहाँ जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे? आप बताइए कि अगर नहीं होगा कोर्ट तक तो मामला चला गया है, कोर्ट का फैसला को हम मान्य देंगे, लेकिन अगर मेरे हक में नहीं हुआ तो हम अपना आत्मदाह भी कर लेंगे। और इसका सारा जिम्मा लड़की के घर वाले और लड़की पे आएगा। हम आपसे पूछते हैं सही है, कहाँ तक ये जायज़ है? स्त्री लड़की लोग का यही काम है कि सब अच्छे खासे लड़के को बर्बाद करना, उसके बाद उसको छोड़ देना। हम क्या उसका साथ किए थे? उसको हम अधिकार दिलाने के लिए शादी किए थे, समाज में उसका नाम देने के लिए शादी किए थे। चाहते तो उसको हम कब का छोड़ देते?